ही सरकार के कई मंत्रियों ने भी वृक्षारोपण किया। सीएम योगी ने लखनऊ के कुकरेल में हरिशंकरी का पौधा लगाया और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई भी दी। इसी के साथ यूपी में 25 करोड़ वृक्षारोपण का वन महोत्सव शुरू हो गया। आज पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्षारोपण एक साथ आज की तिथि पर करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को गुरु पूर्णिमा की भी और वन महोत्सव के इस भव्य आयोजन की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज घर घर में काढ़ा बनता हुआ दिखाई देता है। मैं तो ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके जो विभिन्न प्रकार के अन्य पेय की तरफ जाते थे, आज वे काढ़ा की तरफ जा रहे हैं, काढ़ा को ले रहे हैं। काढ़ा विशुद्ध रूप से हमारा प्राकृतिक औषधि के भंडार का एक न्यूनतम अंश है। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने उतरेठिया में निरीक्षण केंद्र में पौधारोपण किया और बताया कि सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग को 8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा गया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी वृक्षारोपण किया। पौधारोपण के बाद जियो टैग किया जा रहा है, एक एक पौधे की काउंटिंग है और सभी विभागों को निश्चित किया गया है। हर विभाग अपने अपने पौधारोपण कर रहे हैं। सिंचाई विभाग को 8 लाख का लक्ष्य रखा गया है और सभी हर डिवीजन में हमारे लोग लगे हुए हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। आज मैं भी यहाँ से सौभाग्य से पौधारोपण कर रहा हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है। वृक्ष से बड़ा कोई गुरु नहीं है, वृक्ष से बड़ा कोई देवता नहीं है। एक दिन में 22 करोड़ पौधा लगा करके विश्व रिकॉर्ड कायम करने का काम किया था। फिर उत्तर प्रदेश वन विभाग और प्रदेश के सारे विभाग मिलकर के एक दिन में 25 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने का काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब वृक्ष होंगे तभी पर्यावरण सुधरेगा और सृष्टि आगे बढ़ सकेगी। मैं पुनः अपील करता हूं कि पिछली वर्ष हम लोगों ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे, इस बार हम 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाने को लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। लखनऊ के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के समाधि स्थल और देव विग्रहों तथा समाधि स्थलों पर विशेष पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। नोएडा में आम लोगों की जेब में डाका डालने के लिए बिजली विभाग का एक बहुत